हेलो एवरीवन, टुडे वी विल नो बेसिक ग्रामर टर्म। आज हम लोग बेसिक ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। मैं वादा करता हूँ अगर ये वीडियो किसी बच्चा को समझ में नहीं आया और इसको पढ़ाने के बाद अगर गलती बोलते तो आप हमें कमेंट में कोई वल्गर वर्ड लिख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए ए एन, ए एन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ए एन को आप कह सकते हैं ये लेटर है, या कह सकते हैं आप इसे कह सकते हैं वो क्या कह सकते हैं बाबू? अल्फाबेट है। तो हम अभी ये तो बहुत दिली दूर की बात है। अभी हम लोग इसको ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, ए एन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल में भी ये कौन सा आर्टिकल है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। आप इसे आर्टिकल ना कह के इंडिफिनिट आर्टिकल ना के आप कह सकते हैं इसको डिटरमिनर। क्या कह सकते हैं? डिटरमिनर। तो हम लोग देखेंगे कि ये ए एन क्या है। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे ए को क्या पढ़ते हैं। ए को पढ़ते हैं हम लोग अ। क्या पढ़ते हैं बाबू? अ। और पढ़ते हैं ए। तो और एन को क्या पढ़ते हैं? ऑन। क्या पढ़ते हैं? ऑन। और इसको क्या पढ़ते हैं? एन। तो देखिए इसका और इसका जमाना क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? जमाना खत्म हो गया। मॉडर्न फॉर्म चल रहा है। हम लोग अभी जनरली में हम लोग क्या बोलना चाहिए अगर स्पीकिंग बोलना चाहते हैं, अगर बच्चा में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को बताइए ए से क्या होता है? ए को पढ़ते हैं अ और एन को पढ़ते हैं एन को पढ़ते हैं ऑन। तो ये बात आप लोग को अच्छा से आना चाहिए। तो हम इसी के बारे में आज यूज पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट करते रहिए, तो हम इसको मिटा देता हूं। ए एन और नॉट। ए एन नॉट का देखिए इसको पढ़ते हैं। ए एन नॉट का प्रयोग, ए एन नॉट का प्रयोग वहां करते हैं जिसे जिसे हम गिन सकते हैं। ये अपनी भाषा में लिखे आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग ए एन का प्रयोग वहां करते हैं जहां हम लोग किसी चीज को गिन सकते हैं, माने किसी नाउन को गिन सकते हैं या काउंटेबल नाउन आप कह सकते हैं मैटर। तो उतने हम लोग अभी डीपली में नहीं जाएंगे, एकदम आसान भाषा में सकते। बताओ तो बाबू, यह कलम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए दिस इज पेन। क्या बाबू? पेन है। दिस इज पेन। अब आप ही लोग बताइए हम लोग पेन को गिन सकते हैं? देखिए तो हमारे पास कितना पेन है, मार्कर है, एक मार्कर दो मार्कर, ये मान लेते हैं सपोज इट इज अ पेन। तो ये कितने? दो है। तो हम लोग गिन लेंगे तो हम लोग क्या है कंपल्सरी है कि ए लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। अगर हिंदी में लिखा रहे यह एक कलम है तो भी क्या बनेगा? एक ही बनेगा, दोनों सेम है। तो ये तो एकदम आसान भाषा में है। भले हिंदी में एक लिखा रहे या एक लिख ना लिखा रहे, मगर अंग्रेजी लिखते वक्त ये बात को ध्यान रखना है आपको और स्पीकिंग में कि ए ए बोलना है या एन बोलना है। तो हम लोग कब एन यूज करेंगे कब ए वो भी देखेंगे आस्ते आस्ते। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर मैं गारंटी देता हूँ एकदम समझ आने का। तो देखिए बाबू बताओ तो, यह किताब है। यह किताब है, ये ग्रामर का बुक है। यह किताब है बाबू, सच में ये किताब है। तो किताब को हम लोग गिन सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज बुक। अब बताओ तो बाबू इसमें एक नहीं है। कोई बच्चा कहेगा कि सर इसमें एक नहीं है तो आप एक काहे लगाते हैं? बताइए किताब को हम लोग गिन सकते हैं, इट इज अ काउंटेबल बुक, इज अ काउंटेबल नाउन, देन वी हैव टू राइट आर्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे ए लगा देंगे, यही ग्रामर की भाषा में। अब देखिए अब कोई लिख सकता है यह एक किताब है। क्या है? दोनों को सेम, दोनों को एक ही तरीके से बनाएंगे, सेम दोनों है, मगर हम लोग जो अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चे को तो यहाँ पे एक नहीं देते कि बच्चा पहचान ले। अब देखिए ये सबसे बढ़िया है इट दिस माने क्या होता है बाबू? देखिए टी एच आई एस दिस और इट, इट माने क्या? एक। यह दोनों का मतलब क्या होता है? एक। तो हम लोग इट का प्रयोग वहां करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, मतलब जो छोटे जो छोटे इंसेक्ट्स हो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं और जो निर्जीव है। तो हम अगर कोई पूछेगा यह एक कलम है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एकदम अच्छा बनाने में एक नंबर क्वालिटी में क्या है? इट इज अ पेन। क्या लिखेंगे? इट इज अ पेन। सबसे बढ़िया ग्रामर, जो अच्छा ग्रामेरियन होगा वो बताएगा। तो आपको मैं बता दूं पूरे गोपालगंज में दो टीचर का नाम बताऊंगा, तीन टीचर का नाम बताऊंगा इंग्लिश पढ़ाने में। अगर आपको अच्छे से अपने बच्चों को एकदम अच्छा ग्रामेरियन बनाना, अच्छा स्पोकन स्पीकर बनाना इंग्लिश में, तो उस टीचर के पास जरूर पढ़िए। पहला टीचर का मैं नाम बता रहा हूँ टीचर्स ऑफ टीचर्स जनार्दन सर, और सेकेंड में है मनीष सर,
और तीसरा का है मनोज सर। ये तीनों टीचर गोपालगंज जिले का सबसे मोस्ट टॉप ट्रेंड ब्रांडेड टीचर है। मैं इन्हीं टीचरों से पढ़ा हूँ और ये पूरे गोपालगंज में नंबर वन ट्रेंड में आते हैं। तो आप अपने बच्चों को इन टीचरों के पास जरूर भेजिए, मौका मिले तो ठीक है। अगर अगर कोई और भी अच्छा टीचर हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट में कि इससे बढ़िया कौन टीचर है। अगर कोई टीचर हो तो कभी इनसे मुलाकात करा दूंगा अपने टीचरों से, और हमसे भी कोई टीचर मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं भी अपना फेस करने के लिए तैयार हूँ इंटरव्यू देने के लिए किसी टीचर के सामने। तो देखिए ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ। अगर चलिए देखते हैं, अब इधर देखिए बाबू, ये हो गया। अब बताइए तो अब देखते हैं हम लोग, हाँ नॉट का प्रयोग। तो देखिए तो बाबू, हाँ एक एन का प्रयोग देखते हैं, देखिए नॉट का प्रयोग बताइए। पहले देख लेते हैं हम लोग एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, ए ई आई ओ यू, ये लेटर आ जाएगा तो क्या हम लोग लगा लेते हैं एन का प्रयोग लगा लेते हैं जी। मगर ये क्या है, हर जगह का नहीं, क्या है वैलिड नहीं है, क्या है गलत हो जाता है। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल दे दूंगा तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हर जगह वैल्यू नहीं होता है। इसका वैल्यू कब होता है, जब हम लोग जब लिखने में, क्या जी बाबू, लिखने या बोलने में जब ये क्या आ जाए, स्वर ध्वनि आए। कौन सी बाबू, स्वर ध्वनि यानी कि वोवेल साउंड आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूं, देखो तो बाबू बताओ तो, हाँ देखो, यह एक यूनिवर्सिटी, यह एक यूनिवर्सिटी है। तो बाबू देखो तो हम लोग यूनिवर्सिटी को गिन सकते हैं ना। तो देखिए बाबू बताओ तो, दिस इज एन यूनिवर्सिटी। अब बताइए तो बाबू, कोई दिक्कत है किसी को नहीं हुआ है, तो बताइए हम लोग यू था तो हम लोग एल लगा दिया, तो ये बोका सा किसी को बोका आदमी को बुझाता नहीं है, तो ये क्या है गलत है, क्या है गलत है, क्या है गलत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यू का यूनिवर्सिटी किस तरह लिखे हैं, यू नी, देखो यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है, यू डायरेक्ट लिखने यहाँ पे यू आ रहा है, तो ये क्या है गलत है। हम लोग क्या लिखना चाहिए, दिस इज ए यूनिवर्सिटी। देखिए ये क्या है, एकदम सही है, ये वाला बात सही है, अब समझ में आ गया। तो हम लोग यू भी रहेगा तब भी क्या लिख सकते हैं एन, हम लोग देखेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है, रिटन स्टेटमेंट क्या रहा है, ये सब बातों को हमको ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत है नहीं ना बाबू। चलिए अब हम लोग बाबू बहुत सारा वर्ड आप लोग मैं दिखा सकता हूँ, चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बताओ तो बाबू, बताओ तो, यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है। तो देखिए बाबू बर्तन को क्या लिखते हैं, बताओ तो, दिस इज, बर्तन को होता है यूटेंसिल, यू चैन सो, बर्तन का मुका बर्तन यूटेंसिल, तो यहाँ पर क्या है बाबू यू है ना, तो हम लोग लगा देंगे एन, तो ये क्या है गलत है, क्या है गलत है, क्या है बाबू गलत है। तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए, ये क्या सही है, दिस इज ए यूटेंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सही है। अब कोई कहेगा बच्चा कि खाली यू से आप बता रहे हैं, तो ई से भी बताइए, और सारा भी वर्ड है, ठीक है, और भी सारा वर्ड है, मैं आपको और सारा भी वर्ड दिखा सकता हूँ। देखिए तो मैं आपको और सारा भी वर्ड दिखा सकता हूँ, आप लोग वीडियो का एकदम ध्यान से देखते रहिएगा और इसको कॉपी में नोट करते रहिएगा। यह एक भेड़ी, भेड़ी है, भेड़ी देखे ना, जैसे मैं गोट बकरी बकरा बकरी, तो भेड़ा भेड़ी होता है ना जी, तो हम लोग भेड़ी को बोलते हैं, देखिए भेड़ी को होता है, भेड़ा को बोलते हैं रैम और भेड़ी को बोलते हैं यू, तो देखते हैं यह एक भेड़ी है, तो दिस इज, हाँ पहले देखते हैं भेड़ी को होता है ई डब्ल्यू ई, इसको क्या पढ़ते हैं यू, तो हम लोग कोई लिख देगा बच्चा दिस इज एन यू, तो ये क्या है गलत है, यहाँ पे क्या है गलत है, हमको क्या लिखना चाहिए बाबू, दिस इज अ यू, क्योंकि हम लोग इसको लिखते हैं क्या यू, इसको क्या पढ़ते हैं बाबू यू पढ़ते हैं और यू लिखते हैं। अब इस बात को समझ में आ गया, यहाँ पे फुल स्टॉप,
बिना फुल स्टॉप का कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट, विदाउट फुल स्टॉप एनी सेंटेंस इज एरर, तो यू हैव टू नोट इट। तो चलिए और देखते हैं, अब ये बातें हो गई आप लोग को। हमने बताया था जी नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग जिसे हम गिन सकते हैं, नॉट का प्रयोग जिसे हम लोग गिन सकते हैं वहां करते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं नॉट का प्रयोग वहां करते हैं। एकदम बाबू इस बात को याद रखिए। और देखिए नोट, नो नो का प्रयोग, नो का प्रयोग वहां करते हैं जिसे हम, नॉट का प्रयोग वहां करते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते। बताइए तो बाबू हम लोग क्या क्या गिन सकते हैं, क्या क्या नहीं गिन सकते हैं, बताइए तो बाबू हम लोग कलम को गिन सकते हैं, मार्कर को गिन सकते हैं, आदमी को गिन सकते हैं, लड़की को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, चार्जर को गिन सकते हैं, मगर पानी को नहीं गिन सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते हैं, आटा को नहीं गिन सकते हैं, चावल को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। जिस चीज को हम लोग घी को नहीं गिन सकते हैं, खून को नहीं गिन सकते हैं, तो जिस चीज को हम लोग नहीं गिनेंगे उसमें क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, और जिसको गिन लेंगे उसमें नॉट लगाएंगे। तो आप बताइए तो बाबू इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नहीं है, यह पानी नहीं है, तो बताओ तो हम लोग बाबू पानी को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिनेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, दिस इज नॉट वाटर। आप किसी भी बच्चा से पूछिए, पूरे गांव में बच्चा, आपको बच्चा बताएगा कि दिस इज नॉट वाटर, यह पानी नहीं है, मगर ये क्या है, गलत है, क्या है बाबू, गलत है, क्या रहना चाहिए, दिस इज नो वाटर, ये क्या है, सही है, ये देखिए। और इससे भी बढ़िया आपको अच्छा से क्वालिटी में जाने तो क्या जान रहे, बताइए बोलिए, पानी क्योंकि निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम लोग दिस के जगह क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे बोलो, इट इज नो वाटर, इट इज नो वाटर, सबसे बेस्ट है ये, एकदम इंटरनेशनल ब्रांचेड है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इट इज नो वाटर और दिस इज नो वाटर, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि दिस इज नॉट वाटर, एकदम ये एरर है, एकदम एग्जाम में आप एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे आपको सरेंडर बोल दीजिएगा, कटा जाएगा, मतलब गलत हो सकता है, आप वहां पे छटा सकते हैं। तो आप देखिए और देखिए बाबू यहाँ पे बताइए तो, यह दूध नहीं है, यह दूध नहीं है, इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक बात और भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाबू, नहीं के ऊपर क्या देना है आपको, बूंदा देना है, कभी भी बूंदा आप नहीं के ऊपर दीजिए, कभी भी वह छोड़िएगा, नहीं तो क्या है, सेंटेंस गलत हो जाएगा, हिंदी गलत हो जाएगा, बूंदा कभी भी आपको नहीं के ऊपर देना है, किसी भी बुक में लिखा हुआ आपको देखना है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए तो बताइए बाबू, तो यह दूध नहीं है, तो बताइए तो, दिस इज नो मिल्क, दिस इज नो मिल्क, ये क्या है, एकदम सही है। अगर कोई बच्चा लिख देता है दिस इज नॉट मिल्क, दिस इज नॉट मिल्क, तो क्या है, ये गलत है, ये क्या है, एकदम बहुत बड़ा गलत है, एकदम 100% गलत है। तो और इससे अगर अच्छा, एकदम अच्छा, इससे भी अच्छा, दोनों से भी अच्छा कौन सा है बताओ तो बाबू, इट, इट इज नो मिल्क, इट इज नो मिल्क, ये क्या है, सबसे सुपर, ये है क्या है, ये सबसे सुपर है। तो अभी हम लोग दिस डेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसको आप लोग इसको नोट करते रहिए, नहीं है बाबू, ये तो बात सही है, कुर्सी को हम लोग गिन सकते हैं तो कुर्सी में नॉट लगाएंगे, ये तो बात सही, क्लियर हो गया। अब इसमें आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग हो सकता है, बताइए कुर्सी गिनेंगे तो ए भी तो लगेगा इसमें, तो देखिए वन, देखिए दिस इज नॉट चेयर, दिस इज नॉट चेयर, देखिए बाबू क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। कुर्सी को हम लोग गिन लेंगे तो बाबू नॉट तो हमने लगा दिया है, मगर कुर्सी के गिनेंगे तो हम लोग ए भी तो लगाना है, तो कुर्सी को हम लोग ए भी लगाएंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, देखो तो दिस इज नॉट अ चेयर,
दिस इज नॉट अ चेयर, सबसे इम्पोर्टेंट कौन, अच्छा ये वाला क्या है बाबू, सबसे करेक्ट है। अगर कोई बोलता है यह कुर्सी नहीं है तो कोई बता दिया है तो आप बताइए, तो यहाँ पे कुर्सी को हम लोग गिन लेंगे तो ए का प्रयोग करके करेंगे, एन नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, कॉन्सोनेंट वर्ड आ गया है, तो दिस इज नॉट अ चेयर, ये सही है। अगर इससे भी बढ़िया आपको अच्छे से बनाना है तो क्या बनाएंगे बताओ बाबू, इट क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ चेयर, इट इज नॉट अ चेयर, समझ में आ रहा है। इसको एकदम आप लोग देखते चले, ध्यान से चलिए, आप किसी टीचर से भी पूछ सकते हैं, तो आप इसे नोट करिए। और एक और देखिए बाबू, बताओ तो, नहीं है यह प्याज नहीं है, प्याज जिसको हम लोग खाते हैं ओनियन, तो बताओ हम लोग प्याज को गिन लेंगे, तो इस साफ आपको दिख रहा है कि प्याज को गिन लेंगे तो हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है नॉट का करेंगे, तब वहां पर ए लगाएंगे कि ए लगाएंगे, ये भी तो देखना है आपको, तो चलो ये देख लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बताओ तो बाबू, यह एक प्याज नहीं है, यह एक प्याज नहीं है, हम एक लिखे चाहे ना लिखे हिंदी में, मगर इंग्लिश में एक लिखना एकदम कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी टू वी हैव टू राइट आर्टिकल्स। तो देन देखिए, दिस इज नॉट ऑनियन, दिस इज नॉट ऑनियन, आप लोग देख लिए बाबू, बताइए तो हम लोग प्याज को गिन सकते हैं नु? तो हम लोग ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा दिया हमने, चलो बाबू ए लगा दिया, तो अब कोई कहेगा हम लोग ओ, हाँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओ आ गया है, तो ए आई ओ यू आते हैं वहां पे हम लोग एन लगाते हैं, तो यहाँ पे एन लगा देंगे, क्या लगाएंगे बाबू, एन, अब ये क्या है, सही है। अगर कोई लिखता है इस तरह लिख देगा, एक ही वर्ड को देख लीजिए, ओरिजिनल ही वर्ड है, दोनों का क्या होगा, सही, हम हिंदी में एक लिखे चाहे ना लिखे, मगर इंग्लिश में एक लिखना कंपलसरी है, तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बाबू, द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं, आप लोग ये बात देखे होंगे, कोई दी पढ़ता है कोई द पढ़ता है, तो हम लोग कब दी पढ़ेंगे और कब द पढ़ेंगे ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश कोई बोलता है तो कब कोई दी पढ़ देता है कभी द पढ़ देता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि गलत बोल रहा है वो सही बोल रहा है, नहीं वो सही बोल रहा है, आप उसको अच्छे से जानिए इस बात को कि कब, जब ग्रामेरियन बोलेगा तो वो कब दी बोलना है कब द बोलना है वो सब जानता है, और जो इस तरह खाली जो ऐसे ही पढ़ा रहा होगा तो उसको मालूम नहीं था कि कब द बोलना है कब दी, और ऐसे ही बोल कर अंग्रेजी चल जाता है तो एरर निकल सकता है, तो हम इस बात को मैं सपोज करता हूँ कि बेसिक बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो देखिए दी कब बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी का बाबू, दी, तो दी कब बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, जब ये ओड आ जाएगा शुरू में उसके बाद लिखना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे और नहीं तो द पढ़ेंगे, जैसे मैं देख लीजिए, देखिए दिस इज द, दिस सॉरी दिस इज द एप्पल, दिस इज द एप्पल दैट आई bought yesterday, this is the apple that I bought yesterday, देखिए बाबू हमने यहाँ पे दी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, साउंड क्या निकल रहा है, ए, तो हम इसलिए दी बोलेंगे, this is the apple, यह वही सेब है जिसे मैंने क्या भाई कल खरीदा था, मान लीजिए घर में सेब रखा था, this is the apple that, this is the apple that I bought yesterday, चलिए बाबू यहाँ पे देखिए, This is the chair. This is the chair. That my father brought. My father brought. देखिए. This is the chair. अब यहाँ पर क्या है बाबू? Consonant sound है. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? The पढ़ेंगे. This is the chair. यह वही कुर्सी है जिसे मेरे पापा लाए. ये हो गया यहाँ पे. इस बात को एकदम देखिए बारीकी से. अब यहाँ पे कब दी पढ़ेंगे कब द, ये भी बात क्लियर होगी आप लोग को. बुक में भी आप रीडिंग मारिएगा तो आप लोग इस बात को ध्यान दे सकते हैं. कहीं इस बुक में होगा दी या द का सेंटेंस में तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ. पता नहीं जी है कि नहीं, किताब में कहीं देखना आप लोगों को मिल जाएगा. हाँ देखिए देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए ऑल द मैटर्स हैव बीन पुट इन सच अ असेंडिंग ऑर्डर एज द साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर्स थ्रू आउट
थ्रू आउट द बुक अ गुड डील ऑफ स्ट्रेस हैज लेड ऑन हाउ टू डेवलप द रीडर्स रियल एंड लिविंग लैंग्वेज वेयर एज द लर्नर्स विल हैव कंफ्यूज. हमने जितना सेंटेंस को पढ़ा है वहां पे एक भी बार दी नहीं बोला है, क्योंकि नहीं बोला, आप समझिए. देखिए यहाँ पे क्योंकि लर्नर्स यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. और बताइए तो द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है बाबू, यहाँ पे पी से शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने नहीं बोला. आप समझ में आ रहे बात को, कब दी बोलना है और कब द बोलना है, ये बात तो आप लोग समझ में आ गए. और चलिए और भी देखते हैं, ये बात को आप नोट कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे जैसे किए ना, दिस इज एलिफेंट. चलिए दिस इज, अब यहां पे देखिए दिस इज, आप लोग अब समझ में रहे. देखिए यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड, यहां पे वोवेल साउंड है तो दी पढ़ेंगे, यहां पर भी दी पढ़ेंगे, यहां पे द पढ़ेंगे. देखिए पढ़ेंगे दिस इज द एलिफेंट, दिस इज द आउल, दिस इज द पेन, क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड है. यहां पे इसको पढ़ेंगे, यहां पे पढ़ेंगे द और यहां पे पढ़ेंगे दी. समझ में आ गया है, इतना आसान बस हम समझिए ना, आपको कोई मास्टर भी नहीं बता पाएगा. समझ रहे हैं, तो इसको लिखिए आप लोग नोट डाउन और अगला देखते हैं. चलिए देखिए, अगर वीडियो समझ में आप लोग को आएगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और छोटे छोटे बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटे ही बच्चों को जनरली फोकस करके पढ़ाता हूँ और जो भी मैं पढ़ाता हूँ एकदम करेक्ट वो इंग्लिश बोलते हैं. आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए. समझ में आ गया कब दी बोलना है कौर दब, कोई टीचर आप लोगों को बताया है ऐसा बात, कोई बच्चा देख रहा होगा, कोई टीचर भी इस वीडियो को देखते हैं मेरे, तो क्या आप बताइए, इस टीचर को भी शायद समझ में नहीं आया होगा. क्योंकि आप लोग को क्या करना है, एक अच्छे से बुक खरीदना है. क्या बुक खरीदना है बाबू, अच्छा बुक खरीदना है. कैसा बुक खरीदना है, अच्छा बुक खरीदना है. ग्रामर का बुक खरीदना है तो अच्छे वाले क्वालिटी वाला खरीदना है ना. जैसे मैं देखिए ये वाला बुक है, ये अच्छा क्वालिटी वाला बुक है. और देखिए आपको डिक्शनरी किसी बच्चा खरीदवाइए तो अच्छा डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड वाला डिक्शनरी खरीदवाइए, क्योंकि इसमें ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन रहता है, एक भी वर्ड मिस्टेक नहीं रहेगा. तो चलिए हम देखते हैं बाबू, आप कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसे हिंदी में लिख कर ए एन का प्रयोग किया जाता है, आप उसको हिंदी में नहीं लिखिएगा ना तो खत्म, गलत हो जाएगा. जैसे में देखिए हमको लिखना है, क्या लिखना है बाबू, आवर, एच ओ यू आर. हम इसको क्या लिखेंगे, आवर लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं आवर, क्या लिखते हैं आव, तो इसको क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन. देख रहे अगर लिख देंगे ए आवर, एच ओ यू आर, तो ये क्या है, गलत है. समझ में आ गया, तो हम लोग इस वर्ड को क्या लिखते हैं, हिंदी में लिख के पता करना है, ठीक है. जैसे यहां पर देखो, जैसे मैं देखो, जैसे जैसे मैं एक घंटा से पढ़ रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस है, आपको टेंस पहचानना आना चाहिए. तो ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस. तो देखो आई हैव been reading, I have been reading, हाँ I have been reading since an hour, एन लगा दिया क्योंकि आवर यहां पर, I have been reading since an hour, मैं एक घंटा से पढ़ता रहा हूं, चाहे मैं पढ़ रहा हूं, एक ही बात है दोनों. ये देखिए अब देखिए कौन कौन से वर्ड है जिसको हम लोग बिना देखे हुए मतलब लिखे हुए नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा. जैसे में देखिए यू आर ऑनर या एच ओ एन ओ आर, दोनों कौन है, ये नाव का मतलब है और ये पुराण का मतलब है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बाबू, ऑनर, क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं ऑनर, ऑनर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एन ऑनर, ठीक है. ये भी देख लीजिए और कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, आप लोग इसकी रिमेंबर कर लेना है, और वीडियो ज्यादा बड़ा हो सकता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. जैसे मैं लिखना है बाबू, क्या लिखना है, चलो मैं बता लेता हूँ आप लोग को, मेरे हीरो ध्यान देखने, देखिए H E I R, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, बोलो एयर, क्या पढ़ते हैं एयर, तो इसको पहले हम लोग क्या लगेंगे एन एयर, इसका हिंदी आप लोग को ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, आप लोग डिक्शनरी में चेक करते हैं एयर एस, एन एयर एस. अब कोई बच्चा कहेगा कि सर एक्स से शुरू हो रहा है, तो नहीं आपको हिंदी में उसको लिखना है, डिक्शनरी में चेक करना है, तभी ना आपको पता लगाएगा. और लिखिए, और लिखिए क्या लिखना है बाबू, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे एन लगा देंगे. इस वर्ड को आप लोग एकदम ध्यान से देख, चलिए बहुत सारे ऐसा वर्ड है आप लोग को मिल जाएगा जो क
कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट कर सकता है, ठीक है, हो गया है। वह एक एसडीओ है, तो बाबू क्या बनाएंगे बाबू, वह, तो क्या लिखेंगे, ही लिख देते हैं, ही इज ए एस डी ओ। अब आप बताइए बाबू, हम एस किस तरह लिखते हैं, एस एस इस तरह लिखते हैं, तो एस ए आई एन, तो एन लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ये सही है, क्या है, सही है, और लिख देंगे ही इज ए एस डी ओ, तो ये क्या है, गलत है, समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बताइए, वह एक एम, वह एक एम एल ए, वह एक एम एल ए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो देखिए, तो वह ही इज ए एम एल ए, ये क्या है, गलत है, क्या होगा, ही इज एन एम एल ए, क्योंकि एम इस तरह लिख लेते हैं, समझ में आया, इतना आपको आसान भाषा में कोई नहीं बता सकता जितना मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो और भी सारे वर्ड है दिखा दे रहे आपको, अब इस आपने जितना भी बताया उस इसको आप लोग यहाँ पे यूज करिए, देखिए बताइए, तो बाबू यह गधा है, यह गधा है, कौन गधा है, जिसको समझ में नहीं, वो गधा है, इतना आसान भाषा में बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं यह एक गधा है। हिंदी में हम क्या करते हैं बाबू, एक लिखे चाहे ना लिखे, मगर अंग्रेजी में एक लिखना एकदम कंपल्सरी है, तो हम इसको क्या बनाएंगे बाबू, बताओ तो, दिस इज ए एस, तो कोई बच्चा कहेगा यहाँ पर ए आ गया तो लगा दो ए, मगर हिंदी में हम एक लिखे चाहे ना लिखे, आप हमेशा याद रखिए इंग्लिश में एक अंग्रेजी लिखना कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी। तो देखिए, यह मक्खन है, तो बताओ बाबू, दिस इज ए बटर, आप कोई कहेगा रे वो को एक आए लगा दिया सर आप, तो बटर मक्खन गिनाता है जी, मक्खन नहीं गिनाता है, क्या है, गलत है, क्या है, गलत, क्या लिखना चाहिए, दिस इज ए बटर लिखना गलत है, क्या लिखना चाहिए, दिस इज बटर, क्या रहेगा, बटर। चलो अगर कोई यहाँ पे देखो, तो बाबू यहाँ पे देखो, यह एक पानी है, यह एक पानी है, यह पानी है। अब आप बताइए बाबू, दोनों में कौन सही लिखे हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, गलत है, नीचे वाला क्या है, सही है, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, हिंदी में इसको एक लिख देंगे तो महामूर्ख है, महामास्टर मूर्ख है, पढ़ा दिया है तो याद रखना है, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, ए नहीं लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, तो दिस इज वाटर, अब चाहे इट इज वाटर। अब देखिए बाबू, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यह चाय नहीं है, तो बताइए चाय को हम लोग गिन सकते हैं, बोलो नहीं गिन सकते, तो दिस इज नो टी, अब समझ में आया, चाय नहीं है तो क्या है, शरबत होगा। चलिए, यह छाता है, तो छाता को हम लोग गिन सकते हैं ना बाबू, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक छाता है लिखेंगे, चाहे बोलेंगे यह छाता है, दोनों एक ही बात है। जैसे मैं देखो, देखो यह लड़का है, चाहे यह एक लड़का है, एक ही बात है, लड़का गिना जाएगा तो हम एक लिखेंगे, तो हम लोग बनाएंगे दिस इज अ बॉय, तो देखो यह छाता है, तो बताओ तो दिस इज अम्ब्रेला। अब बताइए बाबू, छाता गिना जाएगा तो हम लोग एक आर्टिकल लगा ए लिखेंगे, ए लिख देंगे, तो ए लिख दिया तो बाबू देखेंगे यहाँ पे यू आ गया है, तो एन लगा देंगे। अगर कोई इस बात को ये कह, ये इस पर इस तरह बना सकते हैं, यह एक छाता है, ये दोनों का अंग्रेजी क्या है, सेम, एक ही तरह से बनेगा, एक लिखे हिंदी में या ना लिखे, मगर आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। आई होप अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको एक जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक और एग्जांपल देख रहा हूँ, जो बच्चा बना देगा वो समझ लेगा, एकदम पूरा समझ में आ गया, एकदम अपने मन से बनाना है बाबू, एकदम नकल नहीं मारना है। देखिए बताइए, यह पेड़ नहीं है, यह पेड़ नहीं है, कौन बच्चा बना देगा इसको, बताएगा बना देगा वो सबसे मतलब अच्छा सा समझ गया, बताइए। अब बताइए बाबू, पेड़ को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हम लोग नॉट लगा देंगे, एक बात क्लियर है। और बताइए, जब नॉट लगाएंगे तो ए भी वहां पर कंपल्सरी लगाना, ए एन का प्रयोग होगा ना, क्योंकि पेड़ गिना जाएगा, तो देखो किस तरह बनाएंगे, दिस इज नॉट ट्री, दिस इज नॉट ट्री, ये क्या है, गलत है, क्यों गलत है,
क्योंकि हम लोग पेड़ को गिन सकते हैं। तो देखिए, दिस इज नॉट ए ट्री, दिस इज नॉट ए चाहे अ ट्री, ये बात सही है एकदम। एक और एग्जांपल देख देते हैं और उसके बाद से अगला देखेंगे, चाहे बंद कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत देखिए, यह उल्लू नहीं है, यह उल्लू नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग उल्लू को बाबू क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे, बताइए यह उल्लू नहीं है, तो दिस इज नॉट अ उल्लू, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उल्लू को गिन लेंगे तो नॉट सही है, मगर आर्टिकल को भी तो प्रयोग करना है। इसको बनाएंगे कैसे बाबू, यह उल्लू नहीं है, देखिए दिस इज नॉट, उल्लू गिना जाएगा तो हम लोग ये लगा देंगे ओ डब्ल्यू एल, कोई दिक्कत है, तो हम लोग ओ लगाए तो अरे ये तो भवे लगे ए आई, तो एन लगा देंगे, अब जाके ये क्या है, सही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी ये मतलब ये बेसिक बताया हूँ बातों को, किताब में बताता हूँ तो बहुत अच्छे से बच्चों को बताता हूँ, जितने भी बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको एकदम गारंटी, आप लोगों को भी शायद समझ में आ गया होगा। बहुत अभी बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा ही वीडियो है, इट इज अ एग्जांपल। आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियो, इफ यू